हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आलोकन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अमनदीप आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान का इतिहास। देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था मेवाड़ का इतिहास, हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मारवाड़ का इतिहास। ठीक है, तो मारवाड़ के इतिहास में अब जो है इसमें जैसे जोधपुर के बारे में पढ़ेंगे हम, बीकानेर के विषय में पढ़ेंगे, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मारवाड़ का इतिहास। देखिए, जो मारवाड़ का जो क्षेत्र है वो है ये जोधपुर वाला, बीकानेर वाला, नागौर का जो इलाका है, ये सारा मारवाड़ का क्षेत्र आता है। जैसे मैंने आपको बताया था मेवाड़ में कौन कौन से क्षेत्र हैं, आपको याद होगा। ठीक है, जैसे उदयपुर है, उसमें राजसमंद है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, मेवाड़ में आता है। इसी तरीके से मारवाड़ में हम देखेंगे जोधपुर है, बीकानेर है, नागौर है, मेड़ता है, सिवाना है, इस तरह के जो जो प्रदेश है वो है मारवाड़ में आते हैं। ठीक है, मारवाड़ जो है ऐसा माना जाता है कि मारवाड़ के जो राव सिंहा जो प्रथम यहाँ इसके क्या बोला जाता है, मूल पुरुष बोला जाता है, राव सिंहा को बोला जाता है 13वीं शताब्दी की। देखिए, मारवाड़ में जो वंश है ना, मारवाड़ का जो वंश है उसको बोलते हैं मारवाड़ का राठौड़, मारवाड़ के राठौड़। तो राठौड़ जो है ऐसा माना जाता है, राठौड़ जो शब्द है वो दक्षिण भारत में एक वंश है, राष्ट्रकूट, दक्षिण भारत का ये वंश है, इससे बना है राठौड़। जैसे जैसे राष्ट्रकूट है उससे रठऊड़ बन गया। ठीक है, रठऊड़, इस तरीके से बाद में आगे चल के राठौड़ हो गया। ठीक है, धीरे धीरे इस तरीके से मतलब ये इसका परिवर्तन हो गया। तो जो इसका मतलब जो उद्भव हुआ है इस जो शब्द का है राठौड़, वो है राष्ट्रकूट से माना जाता है। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि जो राठौड़ जो है, जो शब्द है, दक्षिण भारत में एक वंश है, राष्ट्रकूट वंश, है ना। जब हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, जब भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो ये राष्ट्रकूट वंश की काफ़ी महत्ता आती है। ठीक है, वो भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम पढ़ते हैं उसको। तो अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रकूट जो है, जो राठौड़ वंश है, उसका उद्भव किससे हुआ, तो इतिहासकार मानते हैं राष्ट्रकूट से इस शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, जो इसके पहले जो मूल पुरुष माने जाते हैं राठौड़ वंश के, वो है मारवाड़ के राव सिंहा। राव सिंहा से ही इनका वंशज आगे चलता है। ठीक है, तो सिंहा क्या है, एक तरह से मूल पुरुष है जो राठौड़ों के। क्या है ये, मूल पुरुष। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि राव सिंहा जो है, इनका जो क्षेत्र है वो है पाली में, एक जगह है, गांव है बिट्ठू। बिट्ठू गांव है, ध्यान रखिएगा, वहां पर ये रहा करते थे। और इनके पिता का नाम था सेतराम और इनकी माता का नाम था, सोलंकी वंश की थी वो, पार्वती उनका माता का नाम था। वैसे पूछेंगे नहीं लेकिन आप ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर ये कहाँ पर रहते थे, पाली में एक गांव है बिट्ठू गांव में, वहाँ पर रहा करते थे। माना जाता है कि कुछ पालीवाल ब्राह्मण जो हैं, पालीवाल ब्राह्मण है जो, वो राव सिंहा के पास गए। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेवाड़ का जब इतिहास पढ़ा रही थी मैं आपको, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे भारत पर उस समय, भारत पर, राजस्थान में भी हो रहे थे। ठीक है, और पालीवाल ब्राह्मण जो हैं, जो मुस्लिम जो आक्रमणकारियों से काफ़ी परेशान थे, वो जाते हैं राव सिंहा के पास कि आप हमें इन हमारी रक्षा कीजिए इन आक्रमणकारियों से। तो ऐसा माना जाता है कि जो राव सिंहा है वो पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो आक्रमणकारियों से भी
ठीक है, राव सिहा जो है इनकी मृत्यु कैसे हुई, मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते हुए पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए। ठीक है, तो पूछ सकते हैं किन की रक्षा करते हुए, तो कौन से जाति के थे, पालीवाल ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जो थे ब्राह्मण थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, राव सिहा जो थे राठौड़ वंश की जो स्थापना की थी इनके द्वारा हुई थी, राठौड़ जो शब्द है किससे लिया गया है या किससे उद्भव माना जाता है, इतिहासकार किससे उद्भव मानते हैं, तो राष्ट्रकूट से इसका उद्भव मानते हैं। ठीक है, कालांतर में जाके राष्ट्रकूट से इसकी उत्पत्ति हुई, बाद में ये राठौड़ के रूप में मतलब जो नए रूप में आया। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे, ध्यान रखिएगा, बिट्ठू। ठीक है, इनके पिता का नाम था सेतराम, पूछ लेते हैं, माता का नाम था इनका पार्वती। ठीक है, पार्वती थी जो सोलंकी वंश की जो राजकुमारी थी। ठीक है, इतना नहीं पूछेंगे, अब ध्यान रखिएगा। तो ऐसा माना जाता है कि जब ये युद्ध हुआ मुस्लिम आक्रमणकारियों के मध्य और राव सिहा के मध्य में युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में लाखों की संख्या में जो है स्त्री और पुरुष, लाखों की संख्या में जो है स्त्री और पुरुष मारे गए थे। इसी कारण जो युद्ध है, जो ये युद्ध हुआ था, उस युद्ध को लाखा झवर के नाम से जाना जाता है, लाखा झवर। ठीक है, जो मारवाड़ के इतिहास में इस युद्ध को क्या कहा जाता है, लाखा झवर युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रख सकते हैं आप कि जो लाखा झवर युद्ध का संबंध किससे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाखा झवर युद्ध है किससे संबंधित है, राव सिहा संबंधित है, 2-4-5 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, राव सिहा से संबंधित है। ठीक है, मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते हुए पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और कहाँ के थे ये, पाली में एक जगह है बिट्ठू, वहाँ पर के थे, ये इतना सा ही पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो इनसे ही 13वीं शताब्दी में जो है स्थापना होती है राठौड़ वंश की। इनके बाद जो है अगर हम दूसरे देखें जो महत्वपूर्ण जो शासक है मारवाड़ के, राव सिहा के बाद में वीरमदेव जो है वीरमदेव के वंशज हैं राव चूंडा। मैंने आपको राव चूंडा का नाम पहले भी कहा है, आपको अगर याद हो तो, जो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको आप मुझे कमेंट करके बताइए कि राव चूंडा जो है मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है मारवाड़ की कैसे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा है वो है राव चूंडा। ठीक है, राव चूंडा, ठीक है, ये है वीरमदेव के पुत्र, राठौड़ वंश के थे वीरमदेव के पुत्र। जो राव सिहा के वंशज थे वीरमदेव, उनके पुत्र थे राव चूंडा। देखिए, इन्होंने मंडोर जो है राजधानी बनाया था, मंडोर को राजधानी बनाया था, मारवाड़ की जो राजधानी है वो मंडोर, मंडोर को राजधानी बनाया। पेपर में क्वेश्चन आता है कि मंडोर को राजधानी किसने बनाया था, सबसे पहले क्योंकि मारवाड़ों की जो प्राचीन राजधानी है ना वो मंडोर ही है, तो मंडोर को राव चूंडा ने राजधानी बनाया था। ठीक है, और ये माना जाता है कि मंडोर जो है इंदा परमार थे, एक इंदा परमार, इंदा परिहार भी है, आता है इंदा परिहार थे, उनसे इनको दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था मंडोर जो है। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने मंडोर को ही राजधानी बनाया। इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इन्होंने नागौर में एक मुस्लिम जो पठान थे उनका शासन था, नागौर को हराया, नाडोल को इन्होंने हराया, इसके बाद में मेड़ता है, जो जितने भी आसपास के जो इनके मारवाड़ के जो इलाके हैं उनको इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य में मिलाया, अपने साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया। ठीक है, क्योंकि यही है इनके, देखो राव चूंडा तो मूल पुरुष माने जाते हैं, राव सिंहा जो है वो मूल पुरुष माने जाते हैं, जबकि राव चूंडा जो है एक तरह से वास्तविक अगर संस्थापक माना जाए या वास्तविक शासक के रूप में मारवाड़ के राठौड़ों के वंश के रूप में देखा जाए तो राव चूंडा का ही नाम आता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाया वंश को और राजधानी के रूप में मंडोर को राजधानी बनाया। ठीक है,
और नागौर है, नाडोल है, मेड़ता, कोजीता, इनके समय में इनकी रानी है चांद कंवर, इनकी रानी का नाम है चांद कंवर। उन्होंने चांद बावड़ी, देखो पेपर में एक बार पूछा गया था चांद बावड़ी, जो चांद बावड़ी है वो किसने बनाई थी और ये कहां पर है चांद बावड़ी, ये भी पूछा जा सकता है। जोधपुर में है, अभी वर्तमान स्वरूप में देखें तो मारवाड़ तो नहीं रहा, तो जोधपुर ही बोला जाएगा, जो है जो राजस्थान का जो जिला है। तो चांद बावड़ी कहां पर है, जोधपुर में है। किसने बनाया था चांद बावड़ी, चांद कंवर इनकी जो रानी थी राव चुंडा की, उनके द्वारा बनाया गया था, ये चांद कंवर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट्स हैं कि सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता था, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हमने इसको भी सुने ही नहीं है, तो अब ध्यान रखिएगा। चांद बावड़ी एक बार पूछा भी गया है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद में जो राव चूंडा जो है, इनके मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इनके 14 पुत्र थे, आपने रणमल का नाम सुना है, मैंने आपको बताया था मेवाड़ के इतिहास जब पढ़ा रही थी, रणमल था उनमें से एक, और इनकी एक ही पुत्री थी हंसाबाई, बताया था मैंने आपको हंसाबाई। हंसाबाई जो है वो उनकी एक पुत्री थी, ठीक है, और इनके 14 पुत्र थे, रणमल था उसमें से एक। ये क्या करते हैं कि इनकी एक और रानी थी किशोरी, किशोरी कंवर, ठीक है, उनका नाम था किशोरी कंवर। देखो रानियों के नाम इतना आता तो है नहीं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा बस। इनके कहने पर, किशोरी जो है कंवर के कहने पर, राव चूंडा जो है अपने बड़े पुत्र रणमल को उत्तराधिकारी घोषित न करके अपने छोटे पुत्र कान्हा, क्या नाम इनका, कान्हा को क्या कर देते हैं, उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, तो ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रणमल जो है इनका ज्येष्ठ पुत्र होते हैं राव चूंडा के, उनको उत्तराधिकारी घोषित न करके कान्हा को क्या कर दिया जाता है, महारानी के कहने पर, इनकी रानी के कहने पर, किशोरी कंवर के कहने पर, ये कान्हा को क्या कर देते हैं, छोटे पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपने देखा होगा कि रणमल, इनके बाद में जो नेक्स्ट शासक आते हैं वो रणमल हैं। कान्हा भी जो है इसका थोड़े समय तक ही चलता है, लेकिन क्या होता है, रणमल जो होता है मेवाड़ में होता है, तो मेवाड़ की सेना की सहायता से जो है, मेवाड़ की सेना की सहायता से मंडोर को, जो मारवाड़ का जो इसका जो राज्य है उसको प्राप्त करता है। तो आइए देखिए हम पढ़ते, तो नेक्स्ट महत्वपूर्ण शासक हमारा कौन सा आ जाएगा, रणमल, ठीक है। कान्हा बनता है, लेकिन कान्हा को हराकर जो है रणमल जो है मंडोर को प्राप्त कर लेता है, मारवाड़ पर शासन स्थापित कर लेता है। हाँ, तो इसका शासन का जो समय है वो है 1438 तक ही है इनका शासन, है ना, क्योंकि 1438 में इनकी मृत्यु हो जाती है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है इनके बारे में, ठीक है। तो रणमल है जो महत्वपूर्ण शासक बनते हैं इसके बाद में, जो राव चूंडा के बाद में, और ये मंडोर को पुनः प्राप्त करते हैं, मंडोर पर अधिकार, ठीक है, मेवाड़ की सेना की सहायता से, मेवाड़ की सेना की सहायता से, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो रणमल है वो मोकल के भी संरक्षक थे, और जो है महाराणा कुंभा उनके भी संरक्षक थे, ठीक है। तो महाराणा कुंभा द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सामंतों के कहने पर रणमल की हत्या भी करवाई जाती है, आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, मैंने आपको बताया हुआ है रणमल के बारे में, कि जो हंसाबाई है, जो राणा चूंडा है, वो जो मालवा में चले जाते हैं, उसके बाद में जो रणमल है मेवाड़ में जो मोकल की सहायता के लिए राजकार में मोकल की सहायता के लिए मारवाड़ से कहाँ पर आ जाते हैं, मेवाड़ में आ जाते हैं, ठीक है, और इनकी हत्या कर दी जाती है 1438 में रणमल की कुंभा द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेवाड़ को मारवाड़ को प्राप्त करते हैं मेवाड़ की सेना की सहायता से, इनके विषय में इतना ही ध्यान रखिएगा। और ये हंसाबाई जो है
हंसा भाई के भाई हैं ये, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, दो मेवाड़ के दो शासक हैं जो कुंभा और मोकल दोनों के संरक्षक थे। पूछा गया एक बार क्वेश्चन कि ऐसे कौन से दो शासक हैं जिनके संरक्षक रणमल थे, तो ध्यान रखिएगा एक तो है मोकल, ठीक है, और दूसरा है महाराणा कुंभा, ठीक है। मोकल जो है इनके पिता हैं, और मोकल के बाद में जो है कुंभा बनते हैं नेक्स्ट शासक। मेवाड़ के इतिहास में आप देख लीजिएगा, सारे वीडियो मैंने आपको सारे एक एक शासक के विषय में पूरा डिटेल से बताया हुआ है। आप पुराने वीडियो को देखिएगा तो मेवाड़ के इतिहास के बारे में भी आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इनके बाद में जो है नेक्स्ट शासक जो बनता है वो है राव जोधा। देखो, इन्हीं के नाम से जोधपुर नगर की स्थापना हुई थी, राव जोधा के नाम से ही, ठीक है। जो नेक्स्ट शासक है ये भी काफी महत्वपूर्ण शासक हैं। इनके बाद में आते हैं, ये है रणमल के पुत्र, ठीक है, राव जोधा रणमल के पुत्र हैं ये। देखिए, मैंने आपको बताया कि रणमल की हत्या किसके द्वारा कर दी जाती है, कुंभा के द्वारा कर दी जाती है। अब क्या होता है कि जब रणमल की मृत्यु हो जाती है तो कुंभा के द्वारा राव राणा चूंडा की सहायता से मंडोर पर अधिकार कर लिया जाता है। मंडोर जो है मारवाड़ की राजधानी है, तो उस पर अधिकार कर लिया जाता है। अब क्या होता है कि जो राव जोधा है, जो रणमल का जो पुत्र है, उसको वहां से भागना पड़ता है मंडोर से। तो एक कहानी गांव है बीकानेर के पास, वहां पर जाके राव जोधा है उसको शरण लेनी पड़ती है। ये पुनः अपनी सेना को गठित करके और अपने सामंतों की सहायता से मारवाड़ पर, मंडोर पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है, इनकी कोशिश कामयाब नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हंसा भाई जो हैं उनकी सहायता से, आपको मैंने बताया था कि इनके मध्य राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य, मतलब जो मनमुटाव होता है उसको एक संधि के द्वारा क्या कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। किसकी सहायता से, हंसा भाई जो है उनकी सहायता से, क्योंकि ये मंडोर पर अधिकार उनका है, देखिए कुंभा का अधिकार हो गया है वहाँ पे, और ये राव जोधा है जो मंडोर को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसमें क्या है, एक तरह से बहुत ज़्यादा युद्ध हो रहा है, कश्मकश हो रही है, इस तरह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो इस समय क्या होता है कि हंसा भाई जो क्या करती हैं, उनके द्वारा एक संधि का प्रस्ताव रखा जाता है। उस संधि का नाम आपको बहुत याद रखना है, उसे कौन सी संधि रखी गई थी, देखिए आवल बावल की संधि। इसमें क्या है, इनकी सीमा का निर्धारण कर दिया गया था कि आंवले के जितने पेड़ हैं वहां पर तो मेवाड़ का शासन रहेगा, बबूल के जितने पेड़ हैं वहां तक जो है मारवाड़ का शासन रहेगा। तो इस तरीके से आवल बावल की संधि के नाम से जाना जाता है। किसकी सहायता से क्या हुआ था जो ये संधि, हंसा बाई की सहायता से वही इन दोनों में क्या जो मनमुटाव है उनको खत्म करती है, ठीक है, इस संधि के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आवल बावल की संधि महत्वपूर्ण है, और किस किस के मध्य हुई थी ये भी पूछा जा सकता है, राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य में हुई थी, ठीक है। इस ऐसा माना जाता है कि अगले 15 वर्षों तक मतलब जो मारवाड़ है और मेवाड़ के संबंध इस संधि के माध्यम से बहुत अच्छे रहे थे। और राव जोधा की पुत्री जो है श्रृंगार देवी, क्या नाम है उनका, श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल इसी संधि के अंतर्गत कर दिया जाता है। राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी, ठीक है, और रायमल जो है कुंभा के पुत्र। इस प्रकार ये अब मारवाड़ और जो मेवाड़ में जो संघर्ष हो रहा था वो खत्म हो जाता है इस संधि के माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा, राव जोधा के समय में ये संधि हुई थी। इन्होंने ही 1459 में जोधपुर नगर बसाया,
ठीक है, एक नया नगर बसाया, कौन सा, अपने ही नाम पर राव जोधा ने एक नया नगर बसाया, जिस किस नाम से जाना गया, जोधपुर, जो वर्तमान में जोधपुर हम देखते हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं, ये डेट भी पूछा जा सकती है, 1459 में जोधपुर नगर बसाया गया था राव जोधा के द्वारा। यहाँ पर इन्होंने एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूक पहाड़ी। देखिए, चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग का भी निर्माण राव जोधा के द्वारा ही करवाया गया था। ये पूछा जाता है कौन सी पहाड़ी पर है, एक दो पेपर में पूछा भी गया है, जो राजस्थान के एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा भी गया है किसी एक पेपर में कि कौन सी पहाड़ी पर बनाया गया है ये मेहरानगढ़ दुर्ग। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जोधपुर नगर कब बसाया गया था, 1459 में, 1459 में बसाया गया था, किसने बसाया था, राव जोधा ने बसाया था, और चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर, चिड़िया टूक जो है पहाड़ी है, वहीं पर मेहरानगढ़ दुर्ग बसाया गया था, बनाया, निर्माण करवाया गया था मेहरानगढ़ दुर्ग का। ठीक है, तो राव जोधा के विषय में सिर्फ इतना ही, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अवल बावल की संधि हुई इनके समय में, किन राव जोधा और राणा कुंभा के समय में, राणा कुंभा के साथ में हुई, और श्रृंगार देवी अब जो अपनी पुत्री का विवाह इनके द्वारा करवाया गया रायमल के साथ में। ठीक है, तो ध्यान रहेगा इतना। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट शासक है वो है राव गागा। देखिए, इनके बारे में एक चीज और पूछी देखी जाती है कि इन्होंने राव की उपाधि धारण की थी। सर्वप्रथम राव की उपाधि किसने धारण की थी मारवाड़ में, तो ध्यान रखिएगा, जो राव की उपाधि जो धारण की थी वो राव चूंडा ने की थी, मैंने आपको बताया नहीं था उसमें, तो राव चूंडा ने सर्वप्रथम राव की उपाधि धारण की। ठीक है, राव चूंडा ने सबसे पहले राव की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उसके बाद से ही सब अपने आप में जैसे राव लगाने लग गए थे। ठीक है, जैसे राव जोधा और राणा की उपाधि जो सबसे पहले मेवाड़ में किसने धारण की थी, आप बताइए मुझे, मैं आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में जो महत्वपूर्ण शासक है वो है राव गागा। जो राव गागा से पहले भी दो शासक आते हैं, शीतल और सुजा, जो राव जोधा के जो पुत्र थे, उनके बारे में इतना महत्वपूर्ण नहीं हम देखते हैं, लेकिन अगर महत्वपूर्ण शासक के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो वो आएगा राव गागा। इनके बाद में राव जोधा के बाद में राव गागा ही आते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि राव गागा ने जो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और महाराणा सांगा के मध्य, अपनी उनकी सहायता के लिए, खानवा के युद्ध में सहायता के लिए अपने पुत्र मालदेव को भेजा था राव गागा के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, राव गागा ने खानवा के युद्ध में सहायता की थी। सहायता की राणा सांगा को। देखिए, एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि खानवा के युद्ध में किस मारवाड़ के किस शासक ने राणा सांगा की सहायता की, तो उसमें दो ऑप्शन थे। देखो, मालदेव भी था, इन्होंने किसको भेजा, राव गागा ने अपने पुत्र मालदेव को भेजा। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने सहायता की, तो अब ऑप्शन में तो मालदेव भी था और राव गागा भी था। देखिए, क्वेश्चन क्या था कि खानवा के युद्ध में मारवाड़ के किस शासक ने राणा सांगा की सहायता की, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, राव गागा आएगा या मालदेव आएगा, तो यहां सिर्फ क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा गागा ने, क्योंकि शासक कौन थे उस समय, गागा थे, पुत्र को भेजा था सहायता करने के लिए। ठीक है, और मालदेव गया था, अगर पुत्र आता है सहायता करने के लिए कौन गया था, तो मालदेव आएगा आंसर। लेकिन वहां पूछा गया था कि शासक का नाम, तो उस समय शासक कौन थे, तो राव गागा आंसर आएगा उसमें। तो इस तरीके के कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको ध्यान से पढ़ना है, जब भी हम एग्जाम करते हैं तो
उसको क्वेश्चन में कई बार हमारा आंसर होता है, तो जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से पढ़ें तो हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये आएगा आंसर। तो खानवा के युद्ध में सहायता दी थी राणा सांगा को। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा अफीम खाते थे, ठीक है। और एक बार ये महल की खिड़की से बाहर देख रहे थे तो वहाँ पर ही इनको मतलब एक तरह से बेहोश हो गए और वहाँ उस खिड़की से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। मतलब ऐसा माना जाता है कि अफीम खाने से इनकी मृत्यु हुई। और वो कारण तो कुछ नहीं, लेकिन इतिहासकार ज़्यादातर यही मानते हैं कि अफीम खाने से जो है महल की खिड़की की तरफ वो देख रहे थे, वहाँ बैठे हुए थे और वहाँ से वो बेहोश हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। इनके विषय में सिर्फ इतना ही है। और उनके बाद में अब इनका सिर्फ इतना ध्यान रखेगा कि खानवा के युद्ध में इन्होंने सहायता की थी और अफीम खाने से इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनके बाद में जो महत्वपूर्ण शासक है वो है मालदेव। देखिए मालदेव जो हैं, इनके बारे में बहुत उपलब्धियाँ इन्होंने प्राप्त की हैं। मारवाड़ के इतिहास में इनका काफ़ी नाम है। जैसे मारवाड़ का मालदेव को हसमत वाला राजा भी बोला जाता है। मालदेव जो है नेक्स्ट शासक जो है, इनके पुत्र हैं जो राणा गागा के, राव गागा के पुत्र हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, हसमत वाला राजा। हसमत वाला राजा इनका नाम है। देखो पूछ सकते हैं पेपर में कि हसमत वाला राजा के नाम से किसे जाना जाता है, तो हसमत वाला जो राजा है वो कौन कहलाएगा, मालदेव को हसमत वाला राजा के नाम से जाना जाता है। अब मालदेव के समय में देखिए, इन्होंने ये जो मालदेव थे ना, जो ये काफ़ी महत्वाकांक्षी थे, ये अपने साम्राज्य को बहुत अधिक मतलब विस्तार करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, साम्राज्य विस्तार जब किया तो अपने सगे संबंधियों को भी मतलब इन्होंने नहीं छोड़ा, मतलब उनके राज्य पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। जैसे इन्होंने बीकानेर पर भी राव जो जेतसी थे उनको हराया था, ठीक है। एक तरह से हम आपको आगे बताऊंगी कि किस तरीके से ये कनेक्टेड है जोधपुर और बीकानेर, ठीक है। बीकानेर, मेड़ता, नागौर, जितने भी मतलब ऐसा माना जाता है कि इनके समय में सिर्फ दो ही ऐसे दो इलाके थे इनके पास, दो प्रदेश थे, लेकिन इन्होंने साम्राज्य विस्तार करके उनको असंख्य सहायता में असंख्य की जो है संख्या में बढ़ा लिया था, बहुत संख्या में बढ़ा लिया था। तो ध्यान रखिएगा इनकी साम्राज्य विस्तार की नीति। साम्राज्य विस्तार नीति द्वारा मारवाड़ का विस्तार किया, ठीक है। इसमें से नागौर है, मेड़ता है, सिवाना है, एक जगह है भाद्राजून भी है एक जगह, ठीक है, बीकानेर है, ऐसे बहुत सारे जो प्रदेश हैं इन्होंने जीत कर क्या किया था, अपने मारवाड़ में मिला लिया था, जोधपुर में मिला लिया था, ठीक है। इनके समय में शेरशाह सूरी का जो है मारवाड़ पर, जोधपुर पर क्या आक्रमण हुआ था, तो ध्यान रखिएगा एक युद्ध हुआ था गिरी सामेल का युद्ध। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध है, इसका हमें याद रखना है, गिरी सामेल का युद्ध। ये हुआ था 1544 में। गिरी सामेल का युद्ध किसके मध्य में हुआ था, शेरशाह सूरी और मालदेव, ठीक है। देखिए शेरशाह सूरी जो थे वो क्या है कि हुमायूं था। मैंने आपको बताया था कि बाबर जो है मुगल राज्य की स्थापना की थी बाबर ने, उसके बाद में हुमायूं शासक बनता है, बाबर का जो पुत्र है, उसके बाद में हुमायूं को हराने के बाद में शेरशाह सूरी जो है दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लेता है, दिल्ली का शासन सत्ता मतलब उसके हाथ में आ जाती है। फिर इसके बाद में क्या करता है, शेरशाह सूरी के द्वारा जो है मारवाड़ पर या जोधपुर पर क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। इस युद्ध, जब ये युद्ध होता है गिरी सामेल का, इसे जेतारण का युद्ध भी बोला जाता है, इस जेतारण नामक जगह में हुआ था। देखिए ध्यान रखिएगा, जेतारण, जेतारण का युद्ध और गिरी सामेल का युद्ध दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो शेरशाह सूरी द्वारा जोधपुर पर जब आक्रमण किया जाता है तो बड़ी ही कठिनाई से जो इस युद्ध में जो विजय होती है वो शेरशाह सूरी की होती है। ऐसा माना जाता है कि मालदेव जो है, मालदेव को भ्रमित किया जाता है इस युद्ध में। जो मैंने आपको बताया कि जो बीकानेर का जो एक शासक है राव जेतसी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, राव जेतसी
जब बीकानेर पर अपना शासन स्थापित कर लिया जाता है मालदेव के द्वारा, तो जो राव जेतसी है वो जाता है शेरशाह सूरी के पास में कि इस तरीके से मालदेव ने मेरे राज्य को हथिया लिया है, आप मेरा जो बीकानेर राज्य है आप मुझे वापस दिलाइए। ठीक है, तो शेरशाह सूरी को क्या है, एक बहाना मिल जाता है जोधपुर पर आक्रमण करने का के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो शेरशाह सूरी है उसको बड़ी कठिनाई हुई, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि बड़ी कठिनाई हुई जोधपुर को जीतने के लिए। तो उसने एक तरकीब की कि शेरशाह सूरी ने राव जेतसी के कहने पर कि हम इस तरीके से जीत नहीं सकते, अगर युद्ध किया जाए तो हम युद्ध आसानी से नहीं जीत सकते, हम कुछ छल कपट करते हैं। तो क्या हुआ, राव जेतसी जो था मालदेव के एक सेनानायक थे जेता, एक और थे कूपा। ठीक है, इन दोनों को क्या भिजवाया, एक संदेश भिजवाया, एक पत्र भिजवाया। जेता को क्या बोला कि मैं आपको 20,000 रुपए दे देता हूं। किसने बोला, राव जेतसी ने। तो आप मेरे लिए क्या खरीदो, कंबल खरीदो 20,000 रुपए, 20,000 रुपए भेजता हूं, आप मेरे लिए कंबल खरीदो। ठीक है, एक तरह से ये षड्यंत्र है, मैं आपको बताती हूँ आगे बढ़िए। और कूपा को भेजा, इसी तरीके का एक और संदेश कूपा को भी भेजा कि आपको मैं 20,000 रुपए भेज रहा हूँ, एक पत्र भेजा और पैसे भी भेजे कि आप मेरे लिए सिरोही की तलवार खरीदो। ठीक है, अब एक और संदेश मालवा के जो ये सॉरी मालदेव है उसे भी भेजा गया कि आपकी सेना के जो भी सेनानायक है सेनापति हैं आपको धोखा देंगे कि उन्होंने तो रिश्वत ली है। इनको पता ही नहीं है कि इस तरीके का जो पैसे भिजवाए गए हैं इनको, इनको पता ही नहीं है और ये एक तरह से छल कपट कर रहे हैं इनके साथ। तो मालदेव जब देखता है कि जब जेता के जो शिविर में जाता है देखता है हाँ वास्तव में पैसे होते हैं, लेकिन जेता को पता ही नहीं होता, इनको यही नहीं पता कि जो है जेतसी द्वारा या शेरशाह सूरी द्वारा इनके साथ छल कपट किया जा रहा है। तो मालदेव को भी ये संदेश जब मिलता है कि आपके जो सेनानायक हैं आपके जो सेनापति हैं जितने भी लोग हैं आपके सैनिक लोग हैं वो क्या हैं, आपको युद्ध करेंगे जब आप क्या है वो आपको धोखा देंगे। इस कारण क्या होता है कि जो मालदेव है उसको अपने जो सेनापति हैं या सैनिकों पर क्या हो जाता है, अविश्वास हो जाता है कि वो सोचता है कि अब इस युद्ध को करने से कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो शेरशाह सूरी और राव जेतसी तरह जो चाल चली गई थी वो काम कर जाती है। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे पत्र भेजे गए थे, झूठे जाली पत्र भेजे गए थे, कुछ जगह ऐसा भी आता है ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, इतिहासकारों ने काफ़ी कहानियां बताई हैं। तो ऐसा ही माना जाता है कि छल कपट से ही युद्ध जीता गया था, अगर डायरेक्टली अगर सामने से है तो शेरशाह सूरी युद्ध को नहीं जीत सकता। इसी कारण शेरशाह सूरी ने एक वाक्य कहा है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये जो कथन है कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया, किस युद्ध के लिए कहा गया, तो मालदेव के साथ जो शेरशाह सूरी का जो युद्ध हुआ था, गिरी सामेल का युद्ध या जेतारण का युद्ध हुआ था, तो उस समय शेरशाह सूरी के द्वारा ये बात कही गई थी। तो ये बात इसलिए कही गई होगी क्योंकि इसे बहुत कठिनाई हुई, छल कपट के द्वारा इसने ये युद्ध अंततः जीत लिया था। अब मैंने आपको बताया कि जब मालदेव को अविश्वास हो जाता है तो अपनी आधी सेना को लेकर, आधी सेना या आधी के आधे सैनिकों को लेकर ये जोधपुर से चला जाता है युद्ध से पूर्व। और जेता और जो कूपा हैं और जो इन पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है मालदेव द्वारा, तो उसको मतलब सिद्ध करने के लिए जेता और कूपा जो हैं वो युद्ध लड़ते हैं, वो वहीं डटे रहते हैं मालदेव की तरह, जोधपुर छोड़कर नहीं जाते हैं। और जेता और कूपा जो हैं वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो एक तो पूछा भी गया है कि जेता और कूपा जो हैं उनका संबंध किस युद्ध से है, तो गिरी सामेल के युद्ध से है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले पढ़ाया था जैमल और पत्ता का संबंध है, इस तरीके से ये सेनानायक के बारे में पूछा जाता है गोरा और बादल का जो है संबंध किससे है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा पुरानी वीडियो। तो जेता और कूपा जो थे मालदेव के सेनापति थे, इस युद्ध में जो है इसमें हार होती है मालदेव की और जेता और कूपा जो है वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गिरी सामेल का युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ था शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य, जेता और कूपा वीरगति को प्राप्त हुए, छल कपट के द्वारा ये युद्ध जीता गया था। और ये जो कहावत है जो शेरशाह सूरी द्वारा कही गई थी कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए
मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, तो इसको भी ध्यान रखिएगा किस युद्ध के लिए कही गई थी, ठीक है, तो गिरी सामेल युद्ध के लिए कही गई थी, ठीक है। और इसके बाद में एक और इनके बारे में है, एक इनकी रानी थी रूठी रानी के नाम से फेमस है, इनकी रानी जो है रूठी रानी, ये रूठी रानी के नाम से एक और इनकी रानी उमा दे। पूछा जाता है, नाम भी पूछ लिया जाता है, जो मालदेव की जो रानी थी, ये जैसलमेर की राजकुमारी थी, जैसलमेर के लूण कर्ण की पुत्री थी, ठीक है। कहां के थे ये? जैसलमेर के शासक। ये उमादेव, ऐसा माना जाता है कि जैसलमेर का जो शासक था लूणकर्ण, वो मालदेव जो है उनको मारने की योजना बनाता है। तो इस योजना का जो है लूणकर्ण की पत्नी जो है उनको पता चल जाता है, किसी दूत के थ्रू जो भेजती है कि लूणकर्ण जो है मालदेव को मारने की योजना बनाता है, जो उमादेव को ये संदेश पहुंचा जाता है। तो इस तरीके से फिर में जो मालदेव है और उमादेव है, जो जैसलमेर की जो राजकुमारी है, उनके मध्य में एक तरह से एक मनमुटाव हो जाता है, गुस्सा हो जाती है, रूठ जाती हैं कि जो है जो जैसलमेर का शासक लूणकर्ण है, जो उनकी हत्या का जो एक तरह से योजना बना रहा है, तो इस कारण से मालदेव से जो है इनकी जो रानी है उमादेव वो रूठ जाती है, और ये रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना कि मालदेव की रानी जो है रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, उनका नाम है उमादेव, ठीक है। इसके बाद में इनको तारागढ़ अजमेर में गढ़पीटली जैसे कहा जाता है, तारागढ़ दुर्ग है जिसे गढ़पीटली भी कहा जाता है, उस दुर्ग में इनको रखा जाता है। फिर बाद में जब शेरशाह सूरी जब अजमेर पर आक्रमण करता है तो इनको वापस वहाँ से बुलाया जाता है ईश्वरदास की सहायता से। ये वहाँ से नहीं आती है, लेकिन ऐसी स्थिति होती है, काफ़ी समझाने के बाद में इनको वहाँ से लाया जाता है, अजमेर के जो गढ़पीटली जो तारागढ़ का जो दुर्ग है वहाँ से लाया जाता है। लेकिन ये क्या है, जोधपुर में नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जोधपुर की रानियों या रानियां हैं जो उनको वो नहीं चाहती थी, जो अन्य रानियां हैं जो मालदेव की, वो नहीं चाहती थी कि उमादेव जोधपुर में आए, तो वो क्या करती है वहाँ से एक और दूसरी जगह में चल जाती है। और जब मालदेव की जब मृत्यु हो जाती है और उस जगह पे ही वहाँ पे वो सती हो जाती है। तो इनकी सिर्फ इतनी कहानी आपको ध्यान रखनी है कि रूठी रानी के नाम से इनका ये फेमस है उमादेव, ठीक है। अब एक और चीज़ मैंने आपको बताई कि हाँ, हुमायूं जब है हार जाता है, हुमायूं के विषय में देखो, हुमायूं की सहायता की जाती है मालदेव के द्वारा, ठीक है, हम मालदेव ही पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो हुमायूं की सहायता जो है मालदेव के द्वारा मतलब की नहीं जाती है, एक्चुअली ये हुमायूं सहायता मांगता है। हुमायूं जो है शेरशाह सूरी से हार जाता है, जब शेरशाह सूरी से जब हार जाता है तो एक वर्ष ये क्या भटकता रहता है इधर उधर, ठीक है। और वहां पर क्या होता है कि जब हुमायूं एक जगह है मारवाड़ में, एक जगह है जोगी तीर्थ, ये मारवाड़ की सीमा पर है ये जगह जोगी तीर्थ, ध्यान रखिएगा, वहां पर हुमायूं क्या है पहुंचता है और क्या करता है, मालदेव जो है उस समय शासक है वहां के जोधपुर के, तो मालदेव से सहायता मांगता है, ठीक है, कि आप मेरी सहायता कीजिए, मुझे रहने दीजिए इस तरीके से। तो क्या करता है हुमायूं, अपने कुछ दूतों को भेजता है। ध्यान रखिएगा जोगी तीर्थ कहाँ है, मारवाड़ की सीमा पर है, मारवाड़ की सीमा पर। पहुंचने के बाद में हुमायूं जो है यहां पर पहुंचता है और अपने दूतों को मालदेव के पास भेजता है। एक एक करके जो दूत जाते हैं, एक दूत जाता है, दो दूत जाते हैं, और हुमायूं से बात करते हैं, जो बात करते हैं मालदेव से वो जो दूत हैं, और हुमायूं को आके एक बात कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि जो मालदेव है आपकी सहायता करना चाहता है। मालदेव ऊपर ऊपर से तो मीठी बातें बोलता है, लेकिन उसका हृदय जो है वो साफ नहीं है। आप
वो दूत जो हुमायूं के दूत हैं वो हुमायूं से कहते हैं कि आप मालदेव की सहायता ना लें, क्योंकि मालदेव आपको बंदी बनाना चाहता है और शेषासुरी को सौंपना चाहता है। तो अब इस बात से क्या होता है, हुमायूं जो है उसको शक हो जाता है मालदेव पर, और ये अपनी छोटी सी जो सेना होती है इसके साथ में हुमायूं के साथ में वहाँ से निकल लेता है। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह ये जो घटना है, जोगी तीर्थ जगह का नाम आपसे पूछा जाता है कहाँ पर है, तो मारवाड़ की सीमा है। ऐसा भी माना जाता है कि जब हुमायूं यहाँ से जा रहा था मारवाड़ की सीमा से, तो मालदेव के जो सैनिक है इसका पीछा भी करते हैं। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि मालदेव जो है हुमायूं को बंदी नहीं बनाना चाहता था। अब ये तो कुछ कहा नहीं जैसा इतिहासकार सोचते ही हैं, क्योंकि मालदेव चाहता था कि हुमायूं है उसकी सीमा से चला जाए, ठीक है, इसीलिए उसकी जो सेना है उसका पीछा करती है वहाँ से। मालदेव की जब सेना, जब हुमायूं लौट रहा होता है तो पीछा करती है। इतिहासकारों का मानना है, अलग अलग मतलब इतिहासकारों की मान्यता है, लेकिन आखिरकार क्या होता है, हुमायूं जो है मालदेव की सहायता नहीं लेता है और वहाँ से चल जाता है। तो ध्यान रखिएगा जोगी तीर्थ कहाँ है, ठीक है, ये जोगी तीर्थ एक जोगी का एक यहाँ पे मंदिर है या मज़ार है, तो ध्यान रखिएगा जोगी तीर्थ के नाम से जाता है, मारवाड़ की सीमा पर है, इतना ही ध्यान रखिएगा। तो हुमायूं की सहायता नहीं की जाती है, हुमायूं सहायता मांगता है, लेकिन हुमायूं की इस कारणवश हुमायूं को शक हो जाता है और ये वहाँ से चल देता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए मालदेव के विषय में, और मैंने आपको बता दिया मालदेव जो है इनकी उमादे हैं जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं, और गिरी सामेल का इनका युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा इसको, और जो हुमायूं की सहायता इन्होंने नहीं की थी, ठीक है। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण शासक है, अब ध्यान भी रखिएगा कि जो मालदेव है उसको हसमत वाला राजा भी बोला जाता है। मालदेव जो है इनके द्वारा पुनः एक गलती कर दी जाती है, जैसे चूर्णा ने की थी, कान्हा को बनाया था उत्तराधिकारी, बल्कि जब रणमल का इस पर उत्तराधिकार का जो उस पर उसको नहीं बनाया था। मालदेव के द्वारा अपनी रानी के कहने पर चंद्रसेन जो है, चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। जबकि इनका जो ज्येष्ठ पुत्र था वो था राम, ठीक है। तो इनके बाद में जो महत्वपूर्ण शासक आएंगे वो आएंगे चंद्रसेन, ठीक है। देखिए चंद्रसेन के विषय में बहुत इनको मारवाड़ का प्रताप भी बोला जाता है, हम आगे पढ़ते हैं जब आपको बताऊंगी चंद्रसेन जो है शासक बनते हैं। अब क्या होता है, जब चंद्रसेन जो है शासक बन जाते हैं, तो अब इनका जो बड़े भाई हैं जो राम है, इनसे इनका एक युद्ध भी होता है, साथ में उदय सिंह भी होते हैं, वो भी एक और जो इनके भाई हैं उनके साथ भी इनका युद्ध होता है, जो उत्तराधिकार को लेके मतलब राज्य को लेके, उसको बोला जाता है लोहावाट का युद्ध, लोहावाट का युद्ध होता है। तो ऐसे युद्ध पूछ भी लिए जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा लोहावाट का युद्ध, राम और उदय सिंह की संयुक्त सेना और क्या है चंद्रसेन के मध्य, जिसमें क्या होता है चंद्रसेन विजय होता है, ठीक है। देखिए इनके समय में एक घटना होती है चंद्रसेन के समय में, देखो ये युद्ध तो चलता रहता है, और ये जो है राम और जो उदय सिंह है ये क्या करते हैं, जो दिल्ली के जो तख्त है उस पर अकबर का शासन हो जाता है, शेषासुरी के जो उत्तराधिकारी चले जाते हैं, उसके बाद में अकबर हुमायूं का जो पुत्र है अकबर शासक बनता है, तो अकबर के पास चले जाते हैं ये, और अकबर जो है नागौर दरबार लगाता है 1570 में। तो पूछा जाता है कब लगाता है ये दरबार, नागौर दरबार, नागौर में एक जगह है 1570 जो ये सन है आपको ध्यान रखना है, नागौर दरबार किसके द्वारा लगाया जाता है, अकबर के द्वारा।
ठीक है। तो जब इस युद्ध में ये हार जाते हैं दोनों, राम और उदय सिंह, तो ये अकबर के पास चले जाते हैं। तो अकबर को भी अब क्या है, जो जोधपुर है, जो मारवाड़ है, उसके जो उत्तराधिकार का जो युद्ध चल रहा होता है, मतलब उसमें हस्तक्षेप करने का एक तरह से बहाना भी मिल जाता है अकबर को। अकबर चाहता है अपने साम्राज्य की जो है विस्तार करना चाहता है हर क्षेत्र में, ठीक है। अब देखिए, अब जब 1570 में क्या होता है, ऐसा बहुत सारे जितने भी राजपूत शासक हैं वो क्या कर लेते हैं, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। जैसे बीकानेर का कल्याणमल है, और वो एक वैवाहिक संबंध भी स्थापित होते हैं। जो पहला जो वैवाहिक संबंध जो स्थापित होता है वो होता है आमेर के कछवाहा वंश के राजा के मध्य में होता है, जो उनकी अपनी जो पुत्री है जोधा भाई के नाम से जो प्रसिद्ध है, उनका विवाह कर दिया जाता है। हरखा बाई के नाम से जाना जाता है, जोधा भाई तो के नाम से भी। अब देखो, बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं जोधा भाई जो है आमेर की थी या जोधा भाई जोधपुर की थी, तो ये हमारा विषय नहीं है अभी पढ़ने का। तो ध्यान रखिएगा, हरखा बाई से विवाह होता है आमेर का जो शासक है, अपनी पुत्री का विवाह किससे, भारमल जो है अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करता है, पहला जो शासक है। जो वैवाहिक संबंध होते हैं मुगल जो साम्राज्य से, मुगल बादशाह से, वो पहला अगर आपसे पूछा जाए तो यही आएगा। तो इस नागौर दरबार में अकबर के द्वारा क्या कर दिया, बहुत सारे राजा यहाँ पर उपस्थित होते हैं, राजपूत शासक यहाँ पर आते हैं और अकबर की अधीनता को स्वीकार करते हैं। माना जाता है कि चंद्रसेन जो हैं वो भी इस नागौर दरबार में पहुँचते हैं। और चंद्रसेन क्या है, भली भांति एक बात को समझते हैं कि जो अकबर है अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रहा है, एक राजा को दूसरे राजा के विरुद्ध खड़ा करना है, ठीक है, और अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। तो इस कारण से जो चंद्रसेन है वहाँ से चले जाते हैं और अकबर की जो अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। राम और जो उदय सिंह है वो अकबर के अधीन ही रहते हैं, और राम और उदय सिंह को एक सेनापति बना दिया जाता है और उनको जो कंधार है इन जो अभियानों में लगा दिया जाता है, ठीक है। अब जो चंद्रसेन है वहाँ से निकल जाते हैं और एक भद्राजून, क्योंकि जोधपुर जो है इस समय जो है चंद्रसेन से छीन लिया जाता है, ठीक है, अकबर के द्वारा। तो 1570-72 तक जो है बीकानेर के शासक हैं वो जो जोधपुर का जो राजकार्य संभालते हैं। तो वैसे तो अगर माना जाए तो अकबर के अंडर में होता है, लेकिन जो बीकानेर का जो शासक है उसको अकबर के द्वारा दे दिया जाता है वो राजकार्य करने के लिए। तो अब बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि जो अकबर के द्वारा जोधपुर पर अधिकार कर लिया जाता है और चंद्रसेन जो है वो कहाँ चले जाते हैं, भाद्राजून जो है वहाँ पे चले जाते हैं। तो वहाँ से क्या करते हैं कि अकबर का जो है अधीनता को स्वीकार नहीं करते, तो यहाँ पर जाके अकबर के जो मुगल सेना है उससे लड़ाई, मतलब जो युद्ध है वो संघर्ष है वो जारी रखते हैं। यहाँ पर भी जो मुगल सेना है भद्राजून से पहुँच जाती है, मुगल सेना जो अकबर की जो सेना है वो पहुँच जाती है और भद्राजून से भी इनको जो चंद्रसेन को निकाल देती है। फिर ये चले जाते हैं सिवाना चले जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ की जो महाराणा प्रताप हैं उनकी जो संकटकालीन राजधानी क्या है, वो है चावंट। इसी प्रकार से सिवाना जो है मारवाड़ के प्रताप कहे जाने वाले चंद्रसेन की संकटकालीन राजधानी है। ध्यान रखिएगा, संकटकालीन राजधानी, यहां से रहकर ये मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करते हैं चंद्रसेन, और अपनी मृत्यु पर्यंत तक ये अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करते, जैसे मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के द्वारा नहीं की गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उधर तो है चावंड जो संकटकालीन राजधानी है मेवाड़ के महाराणा प्रताप की, और यहाँ पर चंद्रसेन जो है वो है सिवाना है। सिवाना जो है संकटकालीन राजधानी है चंद्रसेन की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी जो मुगल सेना है आती है और अधिकार कर लेते हैं। फिर ये एक और जगह चले जाते हैं, मेड़ता चले जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, पहाड़ियों में घूमते रहते हैं, ठीक है। जिस प्रकार जैसे अगर हम महाराणा प्रताप की बात करें तो इस प्रकार से इनका जीवन दर्शाया गया है, मतलब इस तरीके से ही इनका भी जो है जीवन का संघर्ष होता है, मुगल सेना के साथ लड़ते ही रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी क्या होता है, मुगल सेना का इस क्षेत्र में भी अधिकार हो जाता है। फिर एक पोखरण जो जगह है, पोखरण को इनके द्वारा बेच दिया जाता है, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है युद्ध करते करते। पोखरण को जैसलमेर के जो भाटी हैं, भाटी वंश के जो राजा हैं, उनको ये पोखरण बेच देते हैं।
1,00,000 रुपए में पोखरण बेच दिया जाता है और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाता है चंद्र सेन के द्वारा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसको बेचा था पोखरण, तो जैसलमेर के भाटियों को बेचा था और कितने में बेचा था, 1,00,000 रुपए में बेचा था। ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों के बारे में, ऐसे क्वेश्चन सीधे पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, और सिवाना जो है संकटकालीन राजधानी थी चंद्र सेन की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ से एक और जगह है, ये चले जाते हैं, ये सिंचाई, अंततः यहाँ पर एक जगह है, ये सिंचाई गांव है, यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये युद्ध करते रहते हैं निरंतर, वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, और ठीक है, और जो मुगल सेना इनका पीछा करती रहती है, अंत में एक जगह है सिंचाई, सिंचाई गांव में होते हैं और यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। सिंचाई गांव में इनके क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि इनके एक सामंत थे वैरसाल, वैरसाल या वैरसाल, उनके द्वारा इनको विष दे दिया जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये किसी सामंत से मिल जाते हैं और उनके द्वारा इनकी मृत्यु हो जाती है, विष से इनकी मृत्यु हो जाती है। कौन से जगह पे होती है इनकी मृत्यु, तो ध्यान रखिएगा सिंचाई गांव जो है वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार ये अपने जीवन काल में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते और इनको एक भूला बिसरा, क्या बोला जाता है इनको, भूला बिसरा नायक, भूला बिसरा नायक, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक और मारवाड़ का प्रताप। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है, चंद्रसेन को कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप। ठीक है, और मारवाड़ का भूला बिसरा, भूला बिसरा नायक, तो ध्यान रखिएगा किसको कहा जाता है, चंद्र सेन को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये खत्म हो गया। इसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद में जो महत्वपूर्ण जो शासक है वो है उदय सिंह। उदय सिंह जो है इनको मोटा राजा उदय सिंह माना जाता है, कहा जाता है। मे भी मुझे लगता है इनका शरीर काफी हष्टपुष्ट होगा इसलिए इनको मोटा राजा के नाम से जाना जाता है। उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, इनकी मृत्यु के बाद में जो है शासक जो बनते हैं मोटा राजा उदय सिंह चंद्रसेन के बाद। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो उदय सिंह जो है ऐसे पहले शासक हैं जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तो ध्यान रखिएगा वो है मोटा राजा उदय सिंह। तो इन्होंने क्या की थी, मुगलों की अधीनता, मुगलों की अधीनता स्वीकार। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक है, पहला शासक है जिन्होंने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, तो है मोटा राजा उदय सिंह का नाम आता है। ठीक है, और इन्होंने अपनी पुत्री पुत्री का विवाह, ठीक है, जोधाबाई के नाम से जाना गया बाद में, जोधाबाई, पुत्री जोधाबाई का विवाह किससे किया था, सलीम, अकबर के पुत्र जो बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनसे किया गया था। इनको इनके जो है अपने खुर्रम का नाम सुना होगा, खुर्रम मैंने आपको बताया था मेवाड़ और मुगल की संधि में, जो खुर्रम जो है इन्हीं जो है सलीम और जोधाबाई के जो पुत्र हैं वो खुर्रम है जो शाहजहाँ के नाम से जाने गए। तो ध्यान रखिएगा उदय सिंह जो है मोटा राजा उदय सिंह जो है उनकी पुत्री थी जोधाबाई, जो उनके जो पुत्र हैं वो है खुर्रम जो बाद में शाहजहाँ के नाम से जाने गए। ध्यान रखिएगा, तो इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया जो है सलीम के साथ में, जहांगीर के साथ में किया जो आगे जहांगीर के नाम से जाने गए, और सबसे पहले इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। तो ठीक है, इनके बारे में सिर्फ इतना ही। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो है
कपूर सिंह, इनको अकबर के द्वारा सवाई की उपाधि धारण दी गई थी। ध्यान रखिएगा इनके बारे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो यही आएगा कि अकबर के द्वारा सवाई की उपाधि दी गई थी इनको, सूर सिंह को सवाई की उपाधि दी गई थी। किनके द्वारा दी गई थी? अकबर के द्वारा की थी। इनके विषय में सिर्फ इतना ही आता है, ठीक है। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण जो शासक आता है वो है गज सिंह। गज सिंह शाहजहां के द्वारा इनको महाराजा की उपाधि दी गई थी। ध्यान रखिएगा, अब ये उपाधियां आपको ध्यान रखनी है इसके बाद। तो महाराजा की उपाधि दी गई थी इनको, गज सिंह को, ठीक है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि इनको दी गई थी जहांगीर के द्वारा, दल थम्मन। दल थम्मन की उपाधि दी गई थी इनको जहांगीर के द्वारा। तो ये आपको याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दल थम्मन का मतलब होता है फौज को रोकने वाला या सेना को रोकने वाला, फौज को रोकने वाला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, गज सिंह जो है उनको महाराजा की उपाधि दी गई थी शाहजहां के द्वारा, और दल थम्मन की उपाधि जो दी गई थी वो दी गई थी जहांगीर के द्वारा। दल थम्मन का मतलब होता है फौज को रोकने वाला, ठीक है। तो इनकी वीरता से प्रसन्न होकर जहांगीर ने इनको जो है उपाधि दी थी, क्योंकि जो जहांगीर के द्वारा इनको कंधार है, काबुल है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है पश्चिमी प्रदेशों में बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, आक्रमण हो रहे थे और विद्रोह हो रहे थे, पठानों के जो बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहे थे। तो उनको जो है दल थम्मन के द्वारा क्या किया गया था, मतलब समाप्त किया गया था, उनको रोका गया था। तो इसी कारण इसकी वीरता से प्रसन्न होकर जहांगीर के द्वारा दल थम्मन की उपाधि दी गई थी जो है गज सिंह को। ध्यान रखिएगा, सवाई की उपाधि सूर सिंह को दी गई थी। ध्यान रखिएगा, सर से सवाई, सर से सूर सिंह, और अकबर के द्वारा दी गई थी, जहांगीर के द्वारा दल थम्मन की उपाधि दी गई थी गज सिंह को। लेकिन ध्यान रखिए किसको दी गई थी, गज सिंह को, ठीक है। और जहांगीर के द्वारा दल थम्मन की उपाधि दी गई थी, ठीक है। इनके बारे में इतना ही। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण शासक है वो है हमारे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह का नाम काफी महत्वपूर्ण है अगर मारवाड़ का हम इतिहास पढ़ते हैं। जसवंत सिंह राठौड़, ठीक है। जसवंत सिंह देखिए गज सिंह के पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि गज सिंह के ये छोटे पुत्र थे, इनके एक और बड़े पुत्र थे जो गज सिंह के, जो हम बात कर रहे थे गज सिंह है ना, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, गज सिंह जो है इनके पुत्र थे अमर सिंह, ज्येष्ठ पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि एक जसवंत सिंह की जो पासवान थी उनका नाम था अनारा, सॉरी ऐसा माना जाता है कि गज सिंह की एक पासवान थी उसका नाम था अनारा। जो अनारा थी वो जसवंत सिंह को, जो गज सिंह के पुत्र हैं, उसको बहुत पसंद करती थी, ठीक है। और इसी के कहने पर जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बनाया गया था गज सिंह की मृत्यु के बाद में। गज सिंह के जो ज्येष्ठ पुत्र थे वो अमर सिंह है। ध्यान रखिएगा, गज सिंह के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं वो है अमर सिंह, ठीक है। अमर सिंह जो है जब इनको उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता, ये ज्येष्ठ पुत्र हैं, ध्यान रखिएगा ज्येष्ठ पुत्र, तो क्या होता है अमर सिंह जो है वो शाहजहां के पास चले जाते हैं, ठीक है। अब ये शाहजहां के पास जाता है तो शाहजहां क्या करता है कि अब इनको नागौर है, नागौर की जागीर दे देता है और अपने दरबार में रख लेता है अमर सिंह को, ठीक है। कौन? शाहजहां अपने दरबार में इनको एक अच्छा सम्मान देता है और नागौर की जागीर दे देता है, ठीक है, अमर सिंह को।
जो जसवंत सिंह है वो जोधपुर के ही शासक रहते हैं और जसवंत सिंह को स्वीकार कर लिया जाता है साजा के द्वारा जोधपुर का शासक, जो गज सिंह ने भी उनको उत्तराधिकारी बनाया था अनारा के कहने पर, ठीक है। जो गज अनारा जो है जसवंत सिंह को काफ़ी पसंद करती थी, अमर सिंह को इतना पसंद नहीं करती थी, इसलिए ऐसा माना जाता है। बहुत सारी कहानियां हैं, अगर हम आपको कहानियां ही सुनाती रहूँगी तो हम आगे हम नहीं बढ़ सकते, तो इतना हमको ध्यान भी नहीं रखना, बस आपको बस थोड़ा शॉर्ट में ध्यान रखनी है चीज़ें कि इस तरह का ये हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है, एक जो अमर सिंह के समय में एक मतीरे राड़ एक घटना है, ये क्या है पूछा जाता है पेपर में, ये मतीरेरी राड़ क्या है, मतीरेरी राड़ घटना का जो वर्णन कीजिए से आप किससे संबंधित है। तो अमर सिंह जो है नागौर के, इनको जागीर दी गई है, अमर सिंह जो है इस समय जो है शाहजहाँ के दरबार में रहते हैं, तो इनके जो है नागौर में एक खेत है, ठीक है, नागौर की सीमा पर एक खेत है, किसान का जो खेत है उसका जो है मतीरे की जो बेल लगी हुई है उस पर, और वो क्या करती है, बेल जो है बीकानेर की जो सीमा है जो आड़ है उसको मतलब वहाँ पर पहुँच जाती है, मतलब जो बीकानेर की सीमा तक पहुँच जाती है वो जो बेल है मतीरे की, ठीक है। अब उस पर क्या लग जाता है, जो सीमा को पार कर गई है जो बेल जो पार कर गई है वहाँ पर क्या होता है, तरबूज लग जाता है, मतीरा लग जाता है, तरबूज बोला जाता है मतीरे को, ठीक है। तो वहाँ पर मतीरा लग जाता है, तो उसके स्वामित्व को लेकर बीकानेर और नागौर में क्या होता है, झगड़ा होता है, मतलब ये किसानों की बात होती है, एक किसान के खेत की बात होती है, एक तो बीकानेर का किसान होता है और एक होता है नागौर का किसान होता है, ठीक है। अब ये किसानों की बातें कहाँ पहुँच जाती है, बीकानेर और नागौर दोनों के जो सैनिक होते हैं वहाँ तक पहुँच जाती है और ये झगड़ा बढ़ जाता है। तो इसी का कारण जो मतीरा जो की राड़ है, इस घटना को मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। तो इस घटना का कुछ ऐसा कुछ मतलब निष्कर्ष नहीं निकलता, ठीक है, बस एक युद्ध होता है छोटा सा और इस युद्ध की जो है जानकारी अमर सिंह को हो जाती है, और अमर सिंह जो है शाहजहाँ से क्या करते हैं, वो अनुमति मांगते हैं कि ऐसी को घटना हो रही है, मुझे अपने नागौर जाना है, मुझे आप अनुमति दीजिए। शाहजहाँ से जो अवकाश प्राप्त करना था, छुट्टी लेके जाना चाहता है अमर सिंह जो इस समय शाहजहाँ के दरबार में है, उसको छुट्टी नहीं मिलती है वहाँ से। अब क्या करता है कि शाहजहाँ के ही किस दरबारी की क्या कर देता है, हत्या कर दी जाती है अमर सिंह के द्वारा। तो अमर सिंह को एक तरह से एक वीर नायक के रूप में देखा जाता है ना, इनके अमर सिंह काव्य भी लिखा गया है बहुत सारे, जो कि इन्होंने मतलब एक तरह से साहसी है कि शाहजहाँ के दरबार में रहते हुए भी उनके जो बख्शी है, उनके जो सामंत है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इनके विषय में सिर्फ इतना ही आप ध्यान रखिएगा कि मतीरेरी राड़ थी और इन्होंने क्या कर दी थी, शाहजहाँ के किसी सामंत की हत्या कर दी जाती है और फिर वहाँ से ये लौट आते हैं और फिर उनके बाद में ही किसी युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट शासक है हमारे वो है जसवंत सिंह, जो महत्वपूर्ण है। देखिए ये छोटे छोटे कई स्टोरियाँ इस तरह से पूछ ली जाती है कि मतीरेरी राड़ का संबंध किस किस प्रदेश से है, तो आपको दे दिए जाएंगे मारवाड़ दे दिया जाएगा, एक तरह से जोधपुर दे दिया जाएगा, कुछ भी दे सकते हैं आपको, जोधपुर दे देंगे या बीकानेर दे देंगे, लेकिन हमारा ऑप्शन में क्या होगा, आंसर क्या होगा, बीकानेर और नागौर के मध्य में ही जो युद्ध हुआ था, ठीक है। बीकानेर की जो सीमा है उस पर जो मैं आपको बताया है, जो कहानी आपको पता ही है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट शासक है वो है जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह के विषय में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है। सूर सिंह